नमस्कार दोस्तों, हमारे इस व्लॉग चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आपको मैं बताने वाला हूँ, जो हमारे घर में सीलिंग फैन लगा हुआ है दोस्तों, वो कई बार क्या होता है कि जैसे चलते चलते वो झटके देने लगता है और झटके देकर वो बंद भी हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम उसमें क्यों आती है, वही आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर भी आपको टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो हमेशा आपको मिलती रहेगी। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं और वो रीज़न आपको मैं बता देता हूँ कि वो किस कारण से झटके देता है और झटके देकर वो बंद हो जाता है। तो चलो आप वीडियो के अंदर देखिएगा। तो दोस्तों ये है सीलिंग फैन का स्टेटर और इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये चलते चलते झटके देता है और झटके देने के बाद थोड़ी देर चलने के बाद ये बंद हो जाता है। तो इसमें ऐसा क्या कारण होता है ये झटके देने का, वो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले ये चीज़ देखिएगा कि जो आपके पास सीलिंग फैन है उसकी यहाँ से सापट तो नहीं कटी है। कई बार क्या होता है दोस्तों, सापट कट जाती है और जो बैरिंग होता है वो लूज हो जाता है। लूज होने के कारण यहाँ पर जो मैग्नेट बनता है उसमें टच होकर चलने लगता है, स्टेटर है वो टच होकर चलने लगता है। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये देखिए, ये सीट इतना कटा हुआ है, यहाँ पर जो बैरिंग लगता है यहाँ पर इतना कट चुका है। और ये वाला बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे से आता है, इसमें बैरिंग टाइट भी है, बल्कि ये ऊपर वाला है बैरिंग ये लूज हो गया है, इस कारण इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों ये चलते चलते झटके देने का कारण ये भी होता है एक, और एक होता है बैरिंग भी कई बार ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं ये वाली कटे, ये वाली कट भी जाए, ये नीचे वाली भी, तब भी झटके देगा। और एक रीज़न तो ये होता है दोस्तों, और दोस्तों दूसरा कारण ये होता है, ये बैरिंग है यहाँ पर, तो इसमें भी बैरिंग जो बैरिंग है वो लूज हो जाएगा, यानी कि जैसे हमको हाथ से ये ऊपर नीचे जाने लगेगा तो भी वो झटके देना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये बैरिंग इसमें फिक्स नहीं है। अगर बैरिंग टाइट नहीं होगा तो वो स्टेटर के टच होकर चलेगा। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या ये है कि जो बैरिंग है, जो बैरिंग है उसको हमको इसको पिचका देना है, थोड़ा थोड़ा हल्की सी चोट देकर इसको पिचका देना है, ताकि ये बैरिंग है वो टाइट हो जाए और इसमें लूज ना रहे। तो दोस्तों ये लोहे का है तो इसको तो हम पिचका सकते हैं, बल्कि जो और जो पुराने टाइप के आते थे उनमें हमको स्क्रेच कर देना है अंदर से, यहाँ से छीनी वगैरह से स्क्रेच कर देना है, ताकि ये बैरिंग टाइट हो जाए। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों इस कारण ही आती है, जो बैरिंग है या तो सीट में लूज हो जाते हैं या फिर जो पलड़ होता है उसमें लूज हो जाता है इस कारण। तो दोस्तों इसको हम इस तरह से ठीक कर सकते हैं, बल्कि इसको करना क्या है, यहाँ पर हमको अगर ज़्यादा कटी हुई है तो वेल्डिंग करना है, नहीं इसको भी हम स्क्रेच कर बैरिंग को टाइट कर सकते हैं। तो बैरिंग को हम टाइट कर देंगे तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि जो झटके देने का प्रॉब्लम होता है फैन के अंदर वो किस कारण से होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।